नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि 11:58 तक ही रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैती नवरात्रा का बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माँ दुर्गा भगवती आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज के राशिफल में मैं दुर्गा सप्तशती के ही कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए बोलूँगा और आप जाप करें, बहुत लाभ होगा। नक्षत्र आज का रहेगा रेवती नक्षत्र 11:21 तक। उपरांत अश्वनी नक्षत्र के आगमन हो जाएंगे। चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में 11:21 तक। उपरांत मेष राशि में चले जाएंगे। राहु काल 8:26 सुबह से लेकर 10:20 तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह का यात्रा करना उचित नहीं होगा। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, बुध भी 12वें में बैठे हुए हैं, तो 11:21 तक का समय आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं है। किसी भी तरह का यात्रा ना करें। 11:21 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे मेष राशि में, जो आपकी राशि है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, अश्वनी नक्षत्र में। ऐसे में आप यात्रा पूर्ण रूप से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें केतु आपके 8वें में बैठे हुए हैं। यात्रा में सावधानी बरतें 11:21 के बाद भी, लेकिन काफ़ी लाभ होगा आपको। यात्रा से लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति शुक्र आपके एकादश में बैठ के काफ़ी आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, व्यवसाय में उत्थान कर रहे हैं। 11:21 से लेकर 12:48 तक यात्रा का योग है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतेंगे। कुछ ना कुछ सामान लॉस्ट होने की संभावना होगी और गेन होने की भी संभावना होगी। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय, यह समय आपके लिए काफी लाभ का समय है। महिलाओं से भी लाभ होगा, हर तरह के सुख सुविधाओं का आपको लाभ होगा। वाहन का लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद से आपको लाभ होने की प्रबल संभावनाएं होंगी। 6:14 से लेकर रात्रि 8 बजे तक का समय, ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, मन के लिए भी अच्छा नहीं है। मन बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा, स्वास्थ्य में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, पेट में आपको दर्द रह सकता है। तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य पर 6:14 से लेकर 8 बजे रात्रि तक विशेष ध्यान देंगे। दिन शनिवार है, शनि के भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन आज से नवरात्र शुरू है, तो नवरात्र दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें। सर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम त्वम कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। सर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम त्वम कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। दुम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में और बुध के नक्षत्र में है। बुध भी बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में नीच की होकर चंद्रमा के साथ एकादश भाव में। 11:21 तक चंद्रमा रहेंगे, तो 11:21 तक का समय सुबह का आपका ठीक है। 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके मेष राशि में चले जाएंगे, जो आपके कुंडली का 12वां हाउस है। 11:21 के बाद भूल से भी आप यात्रा ना करें, काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है आपको। मानसिक स्तर बहुत अच्छी नहीं रह सकती है, लेकिन जो व्यक्ति विदेश से व्यापार करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। जीवन साथी से थोड़े तनाव रहेंगे आपको, आज तनाव में वृद्धि होगी। 11:21 से लेकर 12:48 तक, 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय
व्यापार से काफी लाभ होने वाला है आपको, जमीन जायदाद से काफी लाभ होने वाला है आपको। जो व्यक्ति लेखनी का यूज करते हैं, यानी कि लेखक हैं, उपदेशक हैं, उन्हें काफी लाभ होने वाला है। जो व्यक्ति सिंगर हैं, काफी लाभ होने वाला है। तो ये समय आपके लिए 12:48 से लेकर 4:58 तक का ठीक है। 4:58 से लेकर 6:14 तक का समय, ये भी समय आपके लिए ठीक है, काफी लाभ होगा। लेकिन जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, अवैध रूप से अगर आप पैसे लेते हैं, विशेष करके 4:48 से लेकर 6:14 तक, तो आपको जेल जाने की भी संभावनाएं प्रबल होंगी। कोई घोटाला करते हैं तो आपके जेल जाने की संभावना पूरा प्रबल है। तो गलत काम ना करेंगे तो काफी लाभ होगा। 6:14 से लेकर 8 बजे तक का समय, ये समय आपके लिए विदेश से लाभ का समय है। लेकिन मन इतना बेचैन रहेगा आपका कि यूं ही कहीं घूमने टहलने निकल जाएंगे, वहां भी मन नहीं लगेगा। ऐसे में आप मंदिर जाएं, चैती नवरात्रा शुरू हो गया है, दुर्गा मंदिर जाएं और दुर्गा जी का मंत्रों का जाप करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षनी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए आपके 10वें स्थान पर, मीन राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध के साथ बैठे हुए हैं 11:21 तक ही। तो 11:21 तक आपका दिन मध्यम है, पूरा नहीं है। लेकिन 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अश्वनी नक्षत्र में और मेष राशि में। मेष राशि जो आपकी कुंडली का 11वां स्थान है और चंद्रमा रहेंगे केतु के नक्षत्र में, केतु रहेंगे आपके 6ठे स्थान पर। बैंक से अगर लोन का अप्लाई किए हैं तो लोन मिलेगा, दोस्तों से काफी मदद मिलेगी। केतु चूंकि बृहस्पति के ही नक्षत्र में है तो अपने से बड़ों से काफी मदद मिलेगा, आपको गुरुओं से काफी मदद मिलेगा, प्रभु के शरण में काफी रहें मदद मिलेगा। समय अच्छा होगा 11:21 से। 11:21 से लेकर 12:48 तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रभु के शरण में रहें। केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है तो थोड़ा सा बृहस्पति देव की भी आराधना करें। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय, ये समय उन व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा है जो प्राइवेट सेक्टर में काफी ऊंचे पद पर हैं, उनका भी प्रमोशन होगा, उनके काम की सराहना होगी। उन व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा है जो फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा है जो कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा समय है जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज चलाते हैं। लेकिन जो लॉ कॉलेज चलाते हैं उनके लिए समय ज्यादा बेटर है। जो गुप्तचर का एजेंसी चलाते हैं उनके लिए समय ज्यादा बेटर है। 6:14 से लेकर 8 बजे तक का समय, इस समय आपको लाभ होगा लेकिन लाभ से अधिक आपके खर्च होने की संभावनाएं प्रबल है। दान पुण्य का भी यह समय है और आप दान पुण्य भी इस समय मंदिर मस्जिदों में कर सकते हैं। कुल मिलाकर समय आपके लिए मध्यम ही है। आज के दिन आप दुर्गा जी के इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षनी स्वाहा। ओम दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षनी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और 11:21 तक आपके रहेंगे मीन राशि भाग्य भाव में। बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो भाग्य तो बड़ा ही प्रबल रहेगा आपका।
भाग से बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन भाग भाव के स्वामी बृहस्पति भाग भाव से बाड़मेर में बैठे हुए हैं। तो जहां सूर्य बुध चंद्रमा आपके भाग को बढ़ा रहे हैं, वहां उनके स्वामी ही कमजोर बैठे हुए हैं। तो पूर्ण रूप से भाग आपका साथ नहीं देगा, कोशिश करें। 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपके कुंडली में पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। अगर संतान से ज्यादा आप लड़ाई झगड़ा, संतान अगर बच्चा है मारेगा, मारेंगे पीटेंगे तो संतान घर से भाग जाएंगे, याद रखेंगे आप। 11:21 से लेकर 12:48 के बीच में, 12:48 से लेकर 4:48 तक का समय अत्यधिक खर्च का समय है। दाम्पत्य जीवन से तनाव का समय है, भोग विलास का समय है। खर्च में किसी तरह की कटौती आप नहीं करेंगे जिससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सिंगर हैं, फिल्मों में गाना गाना चाहते हैं, रंगमंच पे गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए समय बड़ा ही सुंदर है। काफी कामयाबी आपको मिलेगी इस समय। 4:48 से लेके 6:14 तक का समय, ये समय आपके लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, सरकारी नौकरी करने वाले को लाभ हो सकता है, किस्मत उनका साथ दे सकता है, उच्च अधिकारी उनको काफी सम्मान दे सकते हैं, पिता से काफी लाभ हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहेगी। 6:14 से लेकर रात्रि 8 तक का समय, ये समय थोड़ा सा आपके कर्म क्षेत्र के लिए बाधक समय होगा। काम के क्षेत्र के लिए आपकी बेचैनी बढ़ी हुई रहेगी। काफी भाग दौड़ के बाद भी आपके कर्म ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। मानसिक चिंताएं काफी रहेंगी, तो थोड़ा सा मेहनत करें, नजरअंदाज करें समय को, और मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं आप। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाश्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी, विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाश्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी, तुम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि चंद्रदेव अष्टम में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी खुद अष्टम में बैठे हुए हैं। समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन 11:21 सुबह तक ही। 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो 11:21 के बाद समय आपका अच्छा आ जाएगा। जो व्यक्ति पॉलिटिशियन है उनके के लिए बेहतरीन समय है, जनता से काफी लाभ मिलने वाला है उनको। जो व्यक्ति गजट के व्यापारी हैं, मोबाइल बेचते हैं, गजट्स वगैरह बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी हैं, उनके के लिए 11:21 से लेकर 12:48 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति एजुकेशन लाइन में है उनके अचानक तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर में है उनको भी अचानक तरक्की मिलना शुरू हो जाएगा। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय, व्यवसाय से काफी लाभ होगा, काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, महिलाओं से काफी मदद मिलेंगे आपको, होटल व्यवसायी को काफी लाभ होगा, जो टीचर हैं उनको काफी लाभ होगा, जो राइटर हैं उनको काफी लाभ होगा, जो एजुकेशन लाइन में उनको काफी लाभ होगा। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय, संभल कर रहे हैं, थोड़ी सी घटना दुर्घटना की संभावनाएं हैं, वाहन चलाने में पूर्ण सावधानी रखें, पूर्ण सावधानी रखें। उच्च अधिकारियों से बहस हो सकती है, उच्च अधिकारी आपके काम से नाखुश रह सकते हैं, पिता से हानि हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य से हानि हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। 6:14 से लेकर रात्रि 8 तक का समय, ये समय
थोड़ा सा पूजा पाठ पर आप विशेष ध्यान देंगे, धर्म के क्षेत्र में आपकी विशेष आस्था होगी। नवरात्र भी आज के दिन से शुरू है, मंदिर में जाके भजन गा सकते हैं, अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन थोड़ा सा ज्यादा बेचैन रहेगा। जीवन साथी को लेके भी मन काफी बेचैन रहेगा आपका। ऐसे में आप दुर्गा सप्तशती की इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में, सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में है, यानी बुध के नक्षत्र में है। बुध भी सप्तम स्थान में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग लगाए हुए हैं, जो बड़ा ही अच्छा समय है। ये समय 11:21 सुबह तक ही रहेंगे। 11:21 के बाद चंद्रमा चले आवेंगे आपके मेष राशि में, केतु के नक्षत्र में, और मेष राशि आपकी कुंडली का, आपके गोचर का, आपके लग्न का अष्टम भाव है। तो 11:21 तक जो यात्राएं करनी है कर लें आप। 11:21 में जब चंद्रमा चले आएंगे आपके अष्टम भाव में, तो किसी भी तरह की यात्रा करने पर निषेध रखें, किसी भी तरह का यात्रा न करें। मन तो इसी तरह बेचैन रहेगा और यात्रा से भी काफी नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। 11:21 से लेके 12:48 तक का समय, हालांकि पराक्रम आपका काफी बड़ा हुआ रहेगा, संचार माध्यम से काफी लाभ मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक से जो काम करते हैं, संचार माध्यम से काम करते हैं, विदेशों से काम करते हैं, काफी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति टीचिंग का जॉब करते हैं, काफी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति विदेशों से काम करते हैं, काफी लाभ मिलेगा। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय, ये समय आपको थोड़ा कर्ज लेने का भी समय आ सकता है, पेट में थोड़ा सा दर्द रह सकता है, बेहिसाब आप खर्च कर सकते हैं, महिलाओं पर भी कुछ खर्च कर सकते हैं, धर्म के स्थान में भी आप दान दे सकते हैं, विदेश जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हर काम सोच समझ के करें। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय काफी अच्छा समय है। मान सम्मान आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन से थोड़ी सी तनाव रहेंगे, थोड़ी सी तनाव। पिता का भी स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, माता का भी स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रहेगा। 6:14 से लेकर 8:00 तक का समय बहुत ज्यादा तनाव में रहेंगे, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहेगा, अनवांटेड फियर से ग्रसित रहेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, किसी भी तरह का अनहोनी नहीं हो सकता है। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी, दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके छठे स्थान पर, और 11:21 तक ही छठे स्थान यानी कि मीन राशि में रहेंगे। 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके सप्तम भाव मेष राशि में, और मेष राशि में जाते ही चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और केतु आपके कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बृहस्पति आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। संतान से काफी लाभ मिलेगा, संतान को अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, संतान का बेहतरीन जगह आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, आपको भी पर्सनली काफी लाभ हो सकता है। समय काफी अच्छा है आपका, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, महिलाओं से भी काफी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय, यह समय भी काफी अच्छा है आपका, हर तरफ से लाभ मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन अपने दायरे में ही रहेंगे आप। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय,
जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, प्रबल संभावनाएं हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में है उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में है काफ़ी लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति का रिजल्ट्स निकलने वाला है किसी भी परीक्षा का, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। 6:14 से लेकर रात्रि 8 बजे तक का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा समय नहीं है। दाम्पत्य जीवन से थोड़े तनाव रहेंगे, कटाक्ष की भाषा बोलेंगे आप दोनों, जिससे किसी न किसी तरह का तनाव आपका बढ़ सकता है। आज के दिन आप इस मंत्र दुर्गा सप्तशती के इस मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमतस्ये नमतस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमतस्ये नमतस्ये नमो नमः। दुं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, दुं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रमा बैठे हुए हैं पंचम स्थान पर, मीन राशि में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं मीन राशि में। 11:21 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके मेष राशि में, जो आपके छठे भाव की राशि है, मंगल की राशि है, और मेष राशि का स्वामी मंगल बैठे हुए हैं आपके तृतीय स्थान पर, प्राकर्म स्थान पर। तो प्राकर्म आपका काफी बड़ा हुआ रहेगा। प्राकर्म के कारण सारे काम को आप अच्छे तरह से निपट सकते हैं। प्राकर्म में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन गुस्से का भाव बहुत ज्यादा रहेगा आप में। गुस्से के कारण आप कुछ उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं, तो गुस्से को त्यागे। 11:21 से लेकर 12:48 तक का समय थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा, लेकिन केतु भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर दशम स्थान को देख रहे हैं, विदेशों से लाभ दिलवावेंगे, हर बिगड़े काम को बनावेंगे। जो व्यक्ति होम्योपैथ का काम करते हैं, होम्योपैथ दवा का काम करते हैं, बेहतरीन समय है। जो भी व्यक्ति दवा का काम करते हैं, प्रशासन में है, फूड ग्रेन्स का काम करते हैं, स्कूल कॉलेज का काम करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है। जो व्यक्ति चमड़े का काम करते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। जो व्यक्ति चप्पल जूते का काम करते हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। तो समय काफी अच्छा है, बुरा समय नहीं है। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय संतान के लिए काफी उत्थान का समय है। संतान को विदेश जाने का समय है, आप भी विदेश जा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग की पूर्ण संभावना है। 6:14 से लेकर रात्रि 8 बजे तक का समय थोड़ा सा सर्दी जुकाम का प्रकोप रह सकता है आपको। जो व्यक्ति को किसी भी तरह का अस्थमा का प्रॉब्लम है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तुंग देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमस्तुते। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, सूर्य और बुध के साथ बैठे हुए हैं मीन राशि में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है जिसके स्वामी बुध वहीं बैठे हुए हैं। बुध आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं, बुध आपकी कुंडली में व्यवसाय स्थान के स्वामी हैं, तो व्यवसाय की स्थिति आज शानदार रहेगी। 11:21 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके पंचम स्थान पर, मेष राशि में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और केतु बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में बाड़मेर में। ऐसे में विदेशों से अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा, विदेश से आपको काफी लाभ होंगे, लेकिन खर्च की स्थिति बढ़ी हुई रहेगी। धर्म के प्रति पूरा आस्था रहेगा, केतु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, मोक्ष को आप खोजने की कोशिश कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। यानी कि 11:21 से लेकर 12:48 तक का समय
काफी सौहृदय समय रहेगा आपका, विदेशों से लाभ होने की संभावना रहेगी, संचार माध्यम से काफी लाभ होगा, समय काफी अच्छा है। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय उन व्यक्तियों के लिए शानदार है जो संचार माध्यम से काम करते हैं, पत्रकार हैं, विशेष करके महिलाओं के लिए समय बड़ा ही अच्छा है। महिला लेखिका जो हैं, महिला शायरी जो करते हैं, शायरी करते हैं, कविता लिखते हैं, उनके के लिए समय खास करके 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय अच्छा है। छोटे मोटे यात्रा होंगे और यात्रा से आपको लाभ होगा। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय वो व्यक्ति सावधान रहे जो हृदय रोगी हैं। 4:48 से लेकर 6:14 हृदय रोगी खान पान पर पूर्ण ध्यान दें, अपने दवा पर पूर्ण ध्यान दें, चिकित्सक से मिलने की पूर्ण कोशिश करें। अगर किसी तरह का परेशानी आपको होता है, भगवान करे आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। 6:14 से लेकर 8:00 तक का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा, आपके पुत्र के लिए थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है, लेकिन आपके पुत्र को इस समय विदेश जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो समय आपका धनु राशि वाले उतना बुरा नहीं है, समय आपका अच्छा है। शनि की 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है जो 29 अप्रैल 2022 को खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, शर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणयत्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीनाथ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते, दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। अगर आप इतना लंबा मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा या दुर्गा जी के किसी भी 32 नाम का जाप करें, दिन आपका अच्छा है और भी अच्छा हो जाएगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिसके स्वामी बुध भी बैठे हुए हैं आपके तीसरे स्थान पर। जो व्यक्ति पत्रकार हैं, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, जो व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, बेहतरीन समय है। फाइनेंस सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, बेहतरीन समय है। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, बेहतरीन समय है। 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में, जिसके स्वामी केतु बैठे हुए हैं आपके एकादश स्थान पर, बड़ा ही अच्छा समय आ जाएगा। केतु भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, धन की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद से काफी फायदा होगा, फिल्मों में काम करने वाले गायक गायिका के लिए बड़ा ही सुनहरा समय होगा। 11:21 से लेकर 12:48 तक का समय आपके लिए शानदार समय है। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय गायक गायिका आपके लिए शानदार समय है। स्ट्रगल करें, दौड़ें, प्रैक्टिस करें, बहुत ही सुंदर समय है। जमीन जायदाद से आपको लाभ होने वाला है, स्त्री पक्ष से लाभ होने वाला है, माता से लाभ होने वाला है आपको, हर तरह से आपके लिए एक बेहतरीन समय है। जो व्यक्ति खास करके नृत्य कला में माहिर हैं, नृत्य कला डांसिंग में जो माहिर हैं, उनके लिए समय और भी अच्छा है। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय, ये समय प्राक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा, यात्रा का योग है, सरकारी नौकरी करने वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, अच्छी जगह हो सकता है, ये भी समय आपके लिए अच्छा है। 6:14 से लेकर रात्रि 8:00 तक का समय, ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन इतनी खर्च की अधिकता रहेगी, इतने मानसिक तनाव में रहेंगे कि आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन एक चीज आप याद रखें, मकर राशि वाले 11:21 के बाद किसी भी तरह की यात्राएं ना करनी है, वरना यात्रा से आपको काफी तकलीफ होगा। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें,
सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके तृतीय स्थान पर, मीन राशि में बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, पिता से काफी लाभ होगा आपको, बुआ से बहन से काफी लाभ होने जा रहा है। 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में। अश्वनी नक्षत्र जो आपके तीसरे स्थान की राशि है, काफी यात्रा का योग है, यात्रा से आपको काफी फायदा होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग होने की संभावनाएं ज्यादा है। केतु आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं, केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं, मान सम्मान की काफी वृद्धि होगी, काफी धार्मिक मूड में आप रहेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, स्त्रियों की रक्षा करेंगे, महिलाओं का रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति जुडिशियल सेवा से जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से न्याय करेंगे, अपने न्याय से वो 0.1% भी पीछे नहीं हटेंगे, उनके लिए समय काफी अच्छा है। जो व्यक्ति वकील हैं, सत्य की राह चलते हुए अपने क्लाइंट के लिए लड़े, उनको काफी सफलता मिलेगी, डूबा हुआ केस उनका वापस हो जाएगा। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय खास करके स्त्री वर्ग के लिए बहुत ही शानदार समय है। आप भी काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे, कविता लिखेंगे, शायरी करेंगे, शेरो शायरी करेंगे, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय पिता से काफी लाभ होने वाला है आपको, जमीन जायदाद में काफी लाभ होने वाला है, सरकार से काफी लाभ होने वाला है, दवा के व्यापारी को काफी लाभ होने वाला है, लेकिन जमीन जायदाद के बिजनेस करने वाले को नुकसान होगा, सावधान रहे। 6:14 से लेकर 8:00 तक का समय काफी यात्राएं होंगी और यात्राएं से आपको लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। कर्म के क्षेत्र में भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे मानसिक शांति रहेगी। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र को जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आप ही की राशि पर, सूर्य और बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग लगाए हुए हैं, काफी बुद्धिमान है आप, लेकिन 11:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में, जो आपके द्वितीय भाव की राशि हैं। चंद्रमा रहेंगे केतु के नक्षत्र में, केतु आपके कुंडली में बैठे हुए हैं भाग भाव में, तो समय अच्छा है। बहुत सारे कर्ज को आप चुकाएंगे 11:21 से लेकर 12:48 तक। कर्ज से मुक्ति मिलेगी 11:21 से लेकर 12:48 तक। धन का संचय भी करेंगे आप इस समय, पूजा पाठ में विशेष ध्यान होगा, प्रभु में बहुत ज्यादा ध्यान लगाएंगे, नवरात्र है, नवरात्र करेंगे, नवरात्र के मंत्रों का जाप करेंगे। 12:48 से लेकर 4:58 तक का समय अत्यधिक खर्च का समय है, बिना मतलब के भी आप खर्च करेंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको, खर्च पर लगाम लगाने की जरूरत है आपको। 4:48 से लेकर 6:14 तक का समय, यह समय आपके लिए काफी अच्छा है, पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, मान सम्मान काफी बढ़ा हुआ रहेगा, काफी इज्जत शोहरत आपको मिलेगी, हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं काफी लाभ मिलेगा, जो व्यक्ति प्रशासन का काम करते हैं काफी लाभ मिलेगा, जो व्यक्ति टीचिंग का काम करते हैं काफी सम्मानित किए जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें काफी लाभ मिलने वाला है। 6:14 से लेकर 8:00 तक का समय थोड़ा सा कर्म के क्षेत्र में आपको परेशानी होगी, अपने काम से आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपके काम की काफी आलोचना की जाएगी, जिससे आपकी परेशानी बढ़ेगी,
तो ध्यान रखें, आलोचना उसी का होता है जो कर्म करते हैं, गलतियां उसी से होती है जो काम करते हैं। आलोचना से ना घबराएं और लगे रहें, प्रभु आपको माँ भगवती माँ दुर्गा आपको सफलता देगी। नवरात्र आज से शुरू है, आज के दिन कवच अर्गला और कीलकम का भी कम से कम पाठ करें, और आज के दिन आप इस मंत्रों का जाप करें, दुर्गा जी के इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु वृति रूपेण संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, दुम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। काफी लाभ होगा। याद रखें मीन राशि वाले, स्वास्थ्य पर भी आपका गलत प्रभाव पड़ रहा है, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही। पुनः चैती नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आपके घर में खुद आए, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, काफी स्वस्थ रहें, अच्छे राहों पर चलें। मेरी शुभकामना आशीर्वाद आपके साथ है। नमस्कार।